हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में आपने जाना होगा कि केमिस्ट्री होती क्या है एंड केमिस्ट्री का यूज़ क्या है, हमें उसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो आई होप यू हैव सीन दैम। उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स के कुछ बेसिक करने वाले हैं, जिसमें आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोफाइल यानी ई प्लस क्या होता है एंड न्यूक्लियोफाइल यानी एन यू माइनस क्या होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल दैट इज़ ई प्लस। सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को डाइसेक्ट करते हैं। ये जो वर्ड है ये मिलके बना है इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। तो देखिए इलेक्ट्रॉन फाइल, फाइल जो वर्ड है इसका मतलब होता है लविंग, यानी वो स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन्स को प्यार करती है, इलेक्ट्रॉन्स को लव करती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन की कमी जिसमें होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी जिसमें होगी, इलेक्ट्रॉन्स को प्यार वही करते हैं। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है दे देमसेल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसका मतलब वहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा उसकी ऑक्टेट क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होनी चाहिए। सो दे शुड हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो जनरली दे शुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। इन द रेयर केसेस, इनफैक्ट इन मैनी केसेस, दे कैन बी न्यूट्रल एज वेल। तो आपने जाना इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसी हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और दे कैन बी न्यूट्रल। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स को जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो देखिए H+ जो है इसमें हाइड्रोजन एटम का एकमात्र इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था वो भी यहाँ से गायब हो गया है। तो इसकी ऑक्टेट क्या है, इसका तो ऑक्टेट होता ही नहीं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाते हैं कभी कभी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो वो भी इसमें कमी है। तो इट इज़ हाईली अनस्टेबल, इट इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी। सिमिलरली CH3 में इस कार्बन को देखें तो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है जनरली, यहाँ तीन बॉन्ड उसने बनाए हैं, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास, छः होने चाहिए आठ, तो उसकी कमी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। ये जो अगला कैटायन है इस कैटायन को हम नाम देते हैं असाइलियम आयन, इट इज़ नोन एज असाइलियम आयन। तो असाइलियम आयन में कार्बन को देखिए इसने अगेन तीन बॉन्ड बनाए हैं, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एंड इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ एन ओ टू प्लस। एन ओ टू प्लस जो होता है इस आयन को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। तो स्टूडेंट्स इसमें नाइट्रोजन का पॉजिटिवली चार्ज है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इस नेक्स्ट वन ये जो एनओ प्लस होता है इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके के कुछ हो सकते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी है, मैनी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स, सॉरी मैनी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स आर न्यूट्रल एज वेल। जैसे बोरोन बेस्ड कई सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे BF3, बोरोन ट्राईहाइड्राइड या बोरोन हाइड्राइड भी बोलते हैं इसको। एल्यूमिनियम बेस्ड फॉर एग्जांपल AlCl3, फॉर एग्जांपल FeCl3। अगर आप ध्यान दें तो बोरोन ने यहाँ पे तीन बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो लाई कर रहे हैं वो कितने हैं, छः होने चाहिए, कितने बोरोन के पास टोटल आठ, इसकी ऑक्टेट क्या हुई, इनकम्प्लीट। उसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो एग्जैक्टली ये ओवरऑल तो न्यूट्रल है, लेकिन बोरोन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो बोरोन पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो फ्लोरीन के बॉन्ड है, फ्लोरीन से जो बॉन्ड बना हुआ है, फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा मूव करेगा, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो बोरोन के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बोरोन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल भी है, उसके अलावा इसके ऊपर डेल्टा प्लस भी है। सिमिलरली BH3 में भी ऐसा होगा, AlCl3 में भी ऐसा होगा, FeCl3 में भी ऐसा होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स हैव पॉजिटिव चार्ज और यू कैन से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, लेट अस से आपके सामने HBr आया और आपसे पूछा गया ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे जो H है इसके ऊपर डेल्टा प्लस है और ब्रोमीन के ऊपर डेल्टा माइनस है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इस प्रोसेस में रिएक्शन में HBr का बॉन्ड अगर ब्रेक होता है और H+ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, सो दिस H+ विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल।
आइए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल जो वर्ड है ये मिलके बना है न्यूक्लियस से, एंड जो फाइल है इसका मतलब आप सभी को पता ही है। फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है? न्यूक्लियस आप सभी को पता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। और प्रोटोन जो होते हैं, व्हाट आर दे आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी। तो पॉजिटिवली चार्ज को प्यार कौन करेगा? जो खुद क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। यानी न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दे हैव नेगेटिवली चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज, या उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब दे मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। यानी वो स्पीसी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, तभी तो उसको पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो उस केस में जो सेंट्रल एटम होगा उसकी ऑक्टेट क्या होगी? कंप्लीट होगी। ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट फॉर दैम। आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देख के। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल। इसमें देखते हैं OH नेगेटिव को। OH नेगेटिव में O को अगर आप ध्यान दें तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच पीसी। इस O के पास तीन लोन पेयर्स हैं, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, सो इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यानी ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इन दिस वे दिस न्यूक्लियोफाइल वॉन्ट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। आप खुद ही सोचिए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ होगा OH माइनस, ये CN माइनस में अगर कार्बन को देखें तो कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, एक लोन पेयर है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना है, तो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट है एंड इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन रिच पीसी, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली Br नेगेटिव इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, SH माइनस ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन के ऊपर O माइनस हो, इट इज़ ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। आइए अब देखते हैं, अगर ये न्यूट्रल होंगे तो ये कैसे होंगे। अब देखिए, न्यूट्रल में पहला एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया, दैट एग्जाम्पल इज ऑफ एल्कीन। एल्कीन में यहाँ पे जो कार्बन कार्बन एटम है, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लूजली हेल्ड, दे आर इजीली पोलराइजेबल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और को डोनेट कर सकता है, हेंस एल्कीन कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इन द सिमिलर वे एल्काइन, ये जो स्पीसी हमने देखी, दिस इज एल्काइन, दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगले केस में आपने देखा बेंजीन ऑल्सो कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। हाँ, इसको इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, बट स्टिल इट इज़ वर्थ इट। इसके बाद वाटर में अगर हम ध्यान दें तो जो ऑक्सीजन एटम है ये अगल बगल वाले एच से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराएगा, ओपी डेल्टा नेगेटिव अच्छा खासा होगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होने की वजह से इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली अमोनिया वाले केस में भी नाइट्रोजन बगल वाले तीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लोन पेयर इसके पास है ही, ऑक्टेट इसकी कंप्लीट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यू हैव लर्नड अबाउट इलेक्ट्रोफाइल, कैसे इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, विच कैन बी चार्ज्ड, विच कैन बी न्यूट्रल एज वेल। जनरली उनकी ऑक्टेट क्या होती है? इनकम्प्लीट, दे आइदर हैव पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच पीसी होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू गोना लर्न कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हम करते अगर हैं तो उसको कैसे समझा जाए, कैसे उसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया जाए। सॉरी की सॉरी, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो किस फंडे पे बेस्ड हैं, किस बात पे बेस्ड हैं, उसकी ट्रिक आप जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।